हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कैसल। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। चलिए आज बनाते हैं नवरात्रि स्पेशल बिना प्याज लहसुन के पनीर की सब्जी। इसके आगे तो प्याज लहसुन वाली पनीर की सब्जी भी फीकी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले एक तवे को गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे 4 से 5 इलायची, आधी इंच दालचीनी, एक टुकड़ा जावित्री, 2 स्टार एनिस और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च। इन सभी को हमें थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इससे बढ़िया सी खुशबू ना निकलने लगे। ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अभी हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। बोल में निकाल के इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसी पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल गर्म होने के बाद इसमें 20 से 25 काजू डाल देंगे। अभी काजू को लो फ्लेम में ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। काजू में बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल के ठंडा करेंगे और जो मसाले रोस्ट करके रखे थे उन्हें इसके साथ मिलाकर एक पाउडर बना लेंगे, जिसमें कि हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी उसी तेल में हम क्यूब शेप में कटे हुए पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पे करीब 200 ग्राम पनीर यूज़ किए हैं। इन्हें भी हम हल्का सा गोल्डन स्पॉट आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड गोल्डन स्पॉट आ चुका है, तो हम दूसरे तरफ इसे पलट देंगे। इसी तरह से हम सभी पनीर को पलट देंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे, वरना पनीर जल जाएंगे। और ये पनीर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है जिसमें गुनगुना गर्म पानी और नमक डाला हुआ है। इसमें सभी पनीर हम डाल देंगे और इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे पनीर सॉफ्ट रहती हैं। अब एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ। इन्हें 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक और बारीक कटे हुए हरी मिर्च। इन सबको 1-2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। सभी अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इससे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको मैं 1-2 मिनट तक भून लूंगी। फिर इसमें डालूंगी 2 से 3 टमाटर के प्यूरे। अब इन मसालों को टमाटर के प्यूरे के साथ अच्छी तरह से पका लूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे पका लेंगे। जब मसालों से इस तरह से तेल निकलने लगे, तब हम इसमें काजू और मसालों का जो पाउडर बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए इन्हें भी हम भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच फेटी हुई दही। अभी दही को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे मसालों के साथ। इससे इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी बनता है। ये रेसिपी इतनी अमेजिंग बनेगी और साथ ही इतनी सिंपल है कि आप इसे हमेशा बनाना चाहेंगे। और यहाँ पे हमने दही को अच्छी तरह से मिलाकर इसे भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से रखें, मतलब आप जितना ग्रेवी चाहते हैं आप उस हिसाब से इसमें पानी डालें। अभी मैं यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी डाली हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं और पानी इसमें डालूंगी। अभी मैं इसमें और 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ, तो मैंने टोटल यहाँ पे 1 ग्लास पानी का यूज़ किया है। अभी इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हमने जो पनीर को फ्राई करके पानी में सोक करके रखा था उन्हें निकाल के इसमें डाल देंगे। अभी पनीर का शेप एकदम मेंटेन हो चुका है, आप इसे आराम से मिला सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे पनीर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब पनीर को अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे और करीब 5-10 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाला है, पर गलती से वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया। आप यहाँ पे धनिया पत्ते का यूज़ भी कर सकते हैं। और बस ये हमारी वेज पनीर की सब्जी यानी बिना प्याज लहसुन की पनीर की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे आप गर्मा गर्म चावल, रोटी या फिर पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नवरात्रि के लिए ये तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो आप भी इस नवरात्रि से ट्राई करें और अपना रिव्यू मेरे साथ कॉमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।